हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर एक नया वीडियो लेकर गए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस एग्जाम जो फर्स्ट सिटिंग में हुआ था उसका जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। एक एक करके सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव मीनिंग का देखते हैं जरा। ही इज द बेटर गोलकीपर इन द टीम। अब यहाँ पर देखते हैं कि टीम में से कंपेरिजन किसका हो रहा है, ही का। टीम में कितना, एक से ज्यादा। जब भी एक से ज्यादा से कंपेयर किया जाता है तो निश्चित रूप से वह सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। इसलिए यहाँ पर बेटर गोलकीपर ने सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव और बेस्ट हो जाएगा, द बेस्ट गोलकीपर, यानी कि हमारा। नेक्स्ट है, वी वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ फ्रेंड हु वाज लिविंग फॉर मुंबई। अब इसका सेंस क्या है, टू सी ऑफ यानी अलविदा करना, तो टू सी ऑफ का ओ डबल एफ, टू सी ऑफ यानी कि अब। नेक्स्ट हो गया, द मिजल्स आर, ये मिजल्स है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। मिजल्स क्या है, बीमारी का नाम है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर में हम इज का यूज करेंगे, द मिजल्स इज यानी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर द लंच। प्रोवाइडिंग दैट नहीं, प्रोवाइडेड दैट, अगर ऐसा होता है उस केस में हम इफ का जब सेंस आ जाएगा स्टार्टिंग में तो उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल V3 का काम करते हैं, यानी प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज गुड। There is a 50% chance of rain forecast for today. अब यहाँ पर a 50% chance, अब 50% chance में यहाँ पर chance जो है वह noun का काम कर रहा है, singular है, और इसलिए a का जो use किया गया article वो सही है। 50% chance of rain forecast for today, यहाँ पर कहीं कोई mistake नहीं है। अब फिर there के बाद is लगा है क्योंकि अब 50% chance singular है, इसलिए is लगा, sentence में कहीं कोई error नहीं, यानी कि। द प्रिंसिपल एफोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ ब्राजील इज कॉफी। यहाँ द प्रिंसिपल माने PLE हो गया, सिद्धांत की बात हो गई, जबकि यहाँ मुख्य मुख्य एक्सपोर्ट हो गया, मुख्य के लिए हमारा PL प्रिंसिपल। द लॉयर हैज प्लेंटी ऑफ क्लाइंट्स, इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं, प्लेंटी ऑफ मेनी के जगह पर प्लेंटी ऑफ का भी यूज होता है। जनरली कहा जाता है कि द लॉयर हैज मेनी क्लाइंट्स, कर सकते थे, लेकिन कहना है कि ऑब्जेक्ट के केस में पॉजिटिव में मेनी के जगह हम प्लेंटी ऑफ का यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन में कहीं कोई एरर। द फादर एज वेल एज द सन्स वर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि द फादर एज वेल एज द सन्स, यानी दो सब्जेक्ट है एज वेल एज से जुड़ा हुआ, तो वर्ब किसके अनुसार जाएगा, एज वेल एज के पहले कौन है उसके अनुसार, एज वेल एज के पहले फादर है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के जगह पर वाज हुआ, यानी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक माइथोलॉजी द पर्सन इज सन ऑफ ज्यूस गॉड ऑफ द स्काई। यहाँ पर गॉड किस चीज का, स्काई का, यानी पार्टिकुलर गॉड की बात हो रही, पार्टिकुलर डिफिनेट गॉड की बात हो रही, तो इसलिए गॉड के पहले द लगेगा, द गॉड ऑफ द स्काई। नेक्स्ट वन, देयर इज नोबडी होम, प्रीपोजिशन की बात है, देयर इज नोबडी, इन होम नहीं, ऑन होम नहीं, इनसाइड होम। नेक्स्ट वन, आई डू नॉट एग्री, एग्री के साथ विथ का यूज होता है, तो आई डोंट एग्री विथ यू। नेक्स्ट, ही स्विच द लाइट्स एंड वी कुड सी मच बेटर, हम ज्यादा बेहतर देख पाए, इसका अर्थ है स्विच लाइट, जो है लाइट को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, यानी स्विच्ड ऑन, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट, दो शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड किस चीज में, मे सिंगिंग, मे यानी इन, तो इन सिंगिंग शी इज नॉट गुड एट इट। नेक्स्ट वन, ऑल द फर्नीचर वर हैव आर वाज, ऑल द फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, बैगेज हो गया, लगेज हो गया, यह हमेशा सिंगुलर होता है, ऑल को देख कर हम प्लुरल नहीं करेंगे, यानी सिंगुलर, यानी कि चारों ऑप्शन में सिंगुलर एक ही है, वाज यानी ऑप्शन। नेक्स्ट, वी हैव डिसाइडेड मूविंग टू लंदन, पढ़ने से लग रहा है कि हम लंदन जाने की बात नहीं, उसके अगेंस्ट हम सोच रहे हैं, यानी वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर कफ, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन लगा दिया, जबकि assertive sentence, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पढ़ लाते हैं, मस्ट पढ़ लिया जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा मस्टंट यू, ये मस्टंट यू हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 18, मिसेज डेली इज एंग्री द स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिसेज एंग्री, एंग्री के साथ विद का यूज करेंगे, तो माई विलेज फादर लिव्स कहाँ पर, इन कोंडापर, अब स्मॉल विलेज, या लिव्स एट कोंडापर, क्योंकि विलेज छोटा है, आंध्र प्रदेश बड़ा, इसलिए यहाँ पर इन, एट और इन होगा, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ही फाइनली गॉट द लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस जो सी। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेट्स चूज द वन व्हिच, तो इसका देखें इमेंसिपेट माने होता है आजाद करना। नेक्स्ट,
इंसिस्टेंस यानी कि बार बार आग्रह वगैरह करना, जोर डालना यानी कि अर्जेंट। नेक्स्ट क्वीर, क्वीर माने विचित्र होता है। स्ट्रेंज यानी इसमें हमको ओपोजिट एंड करना है। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला को कहते हैं, उसका जस्ट ओपोजिट हो गया माइजर। सेन, सेन कहते हैं जो मेंटली हेल्दी आदमी है उसको सेन, यानी यहाँ पर होगा सी ऑप्शन ओपोजिट। वैलिडेट, वैलिडेट हो गया किसी चीज को ऑथेंटिकेट कर देना, तो उसको निगेट कर देना यानी वैलिडेट का हो।